दोस्तों, क्या आपने कभी एक ब्लैक होल के गायब हो जाने के बारे में सुना है? शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि हमने आज तक हमारे यूनिवर्स में ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। मई 2020 में एस्ट्रोनॉमर्स ने धरती से 1120 लाइट ईयर्स दूर टेलीस्कोपियम कॉन्स्टेलेशन में HR6819 नाम के एक बाइनरी स्टार सिस्टम में एक ब्लैक होल होने का दावा किया था। ये ब्लैक होल इस स्टार सिस्टम के साथ ऑर्बिट में था और इसका दूसरा स्टार काफी दूर ऑर्बिट कर रहा था। लेकिन साल 2020 आते आते हम इस ब्लैक होल को खो चुके हैं। पर कैसे? 1,00,000 लाइट ईयर से ज्यादा एरिया में फैली मिल्की वे गैलेक्सी में सिर्फ 1,120 लाइट ईयर्स पर कोई ब्लैक होल मौजूद हो, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर वो अचानक से कहीं गायब हो जाए, तो ये तो भाई गजब ही बात चल रही है। तो आखिर इस ब्लैक होल की खोज से लेकर इसके अंत तक HR6819 बाइनरी स्टार सिस्टम के रहस्य की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइज, मैं हूँ कौशिक और चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे हमारी धरती के सबसे करीब वाला ब्लैक होल गायब हो गया। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 1980 के दशक में। स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में हम इंसानों की टेक्नोलॉजी आज की तुलना में काफी ट्रेडिशनल हुआ करती थी। उस समय कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने धरती से करीब 1100 लाइट ईयर्स दूर HR6819 नाम के एक स्टार की डिस्कवरी की थी। ये स्टार एक BE स्टार था। आपको बता दूं कि इस कैटेगरी के स्टार्स दूसरे स्टार्स के कंपैरिजन में ज्यादा रेडिएशन एमिट करते हैं। उस समय तक एस्ट्रोनॉमर्स का यही अनुमान था कि ये हमारे सूरज की ही तरह एक सिंगल स्टार सिस्टम होगा। लेकिन समय के साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और हमें ये पता चला कि भाई, जिसे हम सिंगल समझ रहे थे वो तो ऑलरेडी इंगेज्ड है। एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑब्जर्व किया कि सोलर सिस्टम में एक नहीं बल्कि दो तारे हैं। एक तो अपना BE स्टार है और दूसरा यहाँ एक BE जायंट स्टार भी मौजूद है। ये दोनों एक दूसरे को 40 दिनों में ऑर्बिट करते हैं। BE जायंट स्टार इस स्टार सिस्टम का प्राइमरी स्टार है, जिसका रेडियस सूरज के कंपैरिजन में 4.4 टाइम्स ज्यादा थी, पर मास सिर्फ और सिर्फ 0.46 टाइम्स है। वहीं दूसरी ओर BE स्टार के रेडियस सूरज के कंपैरिजन में 3.9 टाइम्स ज्यादा है। मतलब ये BE जायंट स्टार से थोड़ा छोटा है, लेकिन इसका मास सूरज के कंपैरिजन में 7.2 टाइम्स है। अब जरा आप खुद ही सोचिए, एक सोलर सिस्टम में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छोटे स्टार का मास बड़े स्टार से ज्यादा हो? और मैं यहाँ थोड़ा बहुत ज्यादा होने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये 16 गुना से भी ज्यादा मैसिव है। दरअसल BE जायंट स्टार असल में एक स्ट्रिप्ड स्टार है। अब एक नॉर्मल स्टार के अपोजिट एक स्ट्रिप्ड जायंट स्टार की रेडियस तो काफी ज्यादा होती है, लेकिन उनका मास बहुत ही ज्यादा कम होता है। इनका मास मोस्टली हीलियम का ही बना हुआ होता है और इसमें हाइड्रोजन बहुत ही कम मात्रा में होता है। मतलब यार, ये मिस्ट्री तो यहीं पर सॉल्व हो गई है ना। लेकिन साल 2020 में यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक और चीज नोटिस की। इस स्टार सिस्टम में मौजूद BE स्टार भी नॉर्मल नहीं है। सूरज से 3.9 टाइम्स ज्यादा रेडियस होने के बावजूद भी BE स्टार का मास भी काफी कम है। जी हाँ, वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे किसी स्टार का मास सूरज से कम 10 गुना ज्यादा होना ही चाहिए था, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ 7.2 टाइम्स ही है। तो आखिर ये बचा हुआ मास गया तो गया कहाँ? अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनमो के बारे में बताऊंगा। ये दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे US डॉलर्स और यूरो वगैरह पे भी, और आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। मैं एक 700 रुपए का ट्रेडअप करता हूं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और थोड़ा सा रुकते हैं एंड Yes, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में सिर्फ 24 घंटों के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए है और हाँ, आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो, जिससे कि आपकी डिपॉजिट डबल हो जाएगी। यानी कि जैसे आप 400 रुपए का टॉप अप कीजिए और 800 रुपए पाइए, और डिस्क्रिप्शन लिंक से बायनमो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपए पाइए, जिससे आप नई ट्रेडिंग लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटजीज प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जितना आप एक्सपीरियंस होंगे उतनी आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि कोई भी ट्रेड आपके कैपिटल को रिस्क होता है। सो फ्रेंड्स, आज ही बाइनमो डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई एम ए बिनो मिस्ड आर यू। अब अगर हम ये कहें कि BE जायंट स्टार ने BE स्टार के मास को खींचा है, तो फिर BE जायंट स्टार इतना लाइट वेट कैसे हो सकता है?
और भाई ये तो बात साफ है कि बी स्टार बी जायंट स्टार के मास को तो नहीं खींच सकता क्योंकि ये उससे साइज में छोटा है ना। तो आखिर ये मिसिंग मास गया तो गया कहाँ? अब दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में जब भी कहीं पर मास की चोरी होती है तो इसका इल्जाम सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है और वो ऑब्जेक्ट और कोई नहीं बल्कि हमारे श्रीमान ब्लैक होल है। मई 2020 में जारी हुए एक रिसर्च पेपर में दावा किया गया कि HR 6819 एक बाइनरी स्टार सिस्टम नहीं है बल्कि एक ट्राइनरी स्टार सिस्टम है। इस रिपोर्ट के दावों को हम इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ आप टेलीस्कोपियम कॉन्स्टिलेशन में HR 6819 के बी जायंट स्टार को रेड सर्कल में देख सकते हो। ऐसा लग रहा है मानो ये अपने पास मौजूद किसी इनविजिबल चीज को ऑर्बिट कर रहा है और इसके काफी दूर आपको बी स्टार ऑर्बिट करते हुए दिखाई दे रहा होगा। वैज्ञानिकों की माने तो ये इनविजिबल ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं बल्कि एक ब्लैक होल ही था और इस तरह जन्म हुआ धरती के सबसे करीब वाले ब्लैक होल का, जो वैज्ञानिकों के अनुसार HR 6819 स्टार सिस्टम में था। साल 2020 में आए रिसर्च पेपर्स में यही कहा गया कि बी स्टार के कम मास के पीछे एक ब्लैक होल का ही हाथ है और शायद बी जायंट स्टार के स्ट्रिप्ड स्टार होने के कारण भी यही ब्लैक होल रहा होगा। अब इसी बीच एस्ट्रोनॉमर्स की एक दूसरी टीम ने इस मिस्ट्री के पीछे एक और आइडिया रखा और वो आइडिया था वैम्पायर स्टार का। अब आखिर ये वैम्पायर स्टार क्या होता है भाई? वेल दोस्तों आपने वैम्पायर्स के बारे में तो सुना ही होगा है ना। यह ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स होती है जो इंसानों का खून पीकर अपना पेट भरती है। एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में वैम्पायर स्टार्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं। ये बाइनरी स्टार सिस्टम में पाए जाते हैं और हमेशा अपने कंपेनियन स्टार से छोटे होते हैं, लेकिन छोटे होने के बावजूद भी ये बहुत ही ज्यादा खोटे भी होते हैं। ये अपने से बड़े स्टार के मास को भी अपने में ही मिला लेते हैं। लेकिन 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 HR 6819 स्टार सिस्टम के दोनों स्टार्स तो लगभग लगभग बराबर साइज के ही हैं, तो उनमें ये थियरी कैसे फिट होती है? अब एक और ब्लैक होल हाइपोथेसिस तो दूसरी और वैम्पायर स्टार की हाइपोथेसिस। एस्ट्रोनॉमर्स की दो अलग अलग ग्रुप्स की इस स्टार सिस्टम को लेकर सोच काफी अलग अलग थी, लेकिन अब यार आखिर इनमें से सही कौन था? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए इन दोनों ग्रुप्स ने साथ में रिसर्च करने का फैसला किया। अब दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्लैक होल की ग्रेविटी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है और ये लाइट की डायरेक्शन को भी डिफ्लेक्ट कर देता है। यही कारण है कि हम ब्लैक होल को नहीं देख पाते। तो फिर एस्ट्रोनॉमर्स ये कैसे फैसला कर सकते हैं कि वहां पर कोई ब्लैक होल है या नहीं? वेल, इसके लिए उन्होंने 2 साल की रिसर्च की और इस स्टार सिस्टम के हर एक सिनेरियो पर डीप डिस्कशन किया। एस्ट्रोनॉमर्स इस कंक्लूजन पर आए कि अगर वहां पर कोई ब्लैक होल मौजूद है तो इन दोनों स्टार्स के बीच काफी ज्यादा दूरी होनी चाहिए, क्योंकि यार ऑब्वियसली ब्लैक होल हमें दिख जरूर नहीं रहा है, लेकिन वो भी तो मैटर का ही रूप है और वो भी स्पेस को ऑक्यूपाई तो जरूर करेगा। और अगर वहां पर कोई ब्लैक होल नहीं है तो इन दोनों स्टार्स को एक दूसरे से बेहद ही करीब होना चाहिए। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने सबसे पहले यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी का वेरी लार्ज टेलीस्कोप यानी कि VLT का यूज करके आसमान में इन दोनों स्टार्स के बीच की डिस्टेंस को मेजर करने की कोशिश की। VLT से देखने पर पाया गया कि इन दोनों के बीच 100 मिली आर्क सेकेंड की डिस्टेंस है और इसके बीच हमें लाइट का कोई भी सोर्स देखने को नहीं मिलता है। मतलब वहां पर एक ब्लैक होल होने के चांसेस काफी ज्यादा हो गई थी। लेकिन जब इन दोनों स्टार्स को वेरी लार्ज टेलीस्कोप इंटरफेरोमीटर यानी कि VLTI से ऑब्जर्व किया गया तो एकदम से जैसे सारा खेल ही पलट गया। VLTI के डेटा के अनुसार इन दोनों स्टार्स के बीच सिर्फ और सिर्फ 1 मिली आर्क सेकेंड का डिस्टेंस था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हमें VLT से इतनी दूर दूर क्यों दिख रहे थे? वेल, इसका कारण ये था कि VLT बी जायंट स्टार का वो एटमॉस्फेयर नहीं देख पा रहा था जो लगभग लगभग खत्म कर दिया गया था। अब चलिए मैं आपको ये सारा सिनेरियो सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। HR 6819 बाइनरी स्टार सिस्टम का प्राइमरी स्टार एक जायंट हुआ करता था जिसके रेडियस और मास बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन इसका कंपेनियन बी स्टार एक ड्वार्फ वैम्पायर स्टार था। समय के साथ साथ इस वैम्पायर स्टार ने अपने सोलर सिस्टम के बड़े स्टार के हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर को चुराना शुरू कर दिया और धीरे धीरे लाखों सालों में ये लगभग लगभग खत्म होने के कगार पर आ चुका है। बी स्टार ने बी जायंट स्टार के सारे एटमॉस्फेयर को खत्म करके उसके मास और रेडियस को बहुत ज्यादा कम कर दिया और ये सारा मास बी स्टार ने निगल लिया है, जिसके कारण इसके रेडियस ज्यादा लग रही है पर मास उतना नहीं है।
वैम्पायर स्टार्स को अपने कंपेनियन स्टार्स के हाइड्रोजन कंपोजिशन को तबाह करने के लिए जाना जाता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस तरह साल 2020 में हम इंसानों ने धरती से जो सबसे करीब वाला ब्लैक होल खोजा था, उस हाइपोथेसिस का ही अंत हो गया और अब ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस स्टार सिस्टम में अब हमारे लिए कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं बचा है। एक छोटे स्टार के द्वारा एक जायंट स्टार के एटमॉस्फेयर को बर्बाद होते देखने का ये नज़ारा भी बहुत ही ज़्यादा रेयर है, और हमने ऐसा यूनिवर्स में बहुत ही कम ऑब्जर्व किया है। और रही बात धरती के सबसे करीब वाले ब्लैक होल की, तो ये टाइटल फिलहाल के लिए हमसे 1500 लाइट ईयर्स दूर मोनोसरस कॉन्स्टेलेशन में स्थित ब्लैक होल V723 मोनोसेरोटिस को मिल चुका है, जिसे हम द यूनिकॉर्न के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ। हम इंसानों की टेक्नोलॉजी हर गुजरते दिन के साथ साथ पहले से एडवांस होती जा रही है, और हम हर दिन स्पेस में नई नई डिस्कवरीज करते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सिर्फ हमारे मिल्की वे में ही करोड़ों ब्लैक होल्स हो सकते हैं। ऐसे में ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम इससे भी कहीं क्लोज डिस्टेंस पर कोई ब्लैक होल खोज ले। वैसे आपका इसके बारे में क्या राय है, और क्या आपको लगता है कि द यूनिकॉर्न से भी ज्यादा क्लोज में कोई ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम के आसपास प्रेजेंट हो सकता है, हाँ या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली का जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।